का महसूस करते हैं, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा देते, आपके नाम से एफआईआर लगा देते दैट यू आर प्लेइंग मनी सर्कुलेशन। तो मनी सर्कुलेशन एक्ट का इम्प्लीमेंट करके एक नेटवर्कर को परेशान होता था, उस चीज से हम बच गए, पहली बात ये होगी। और उसके बाद क्या हुआ, एक रिकग्निशन मिलने लग गया। आज मैंने अभी जसीबाजी को और आरपी जी को भी बता रहा था, क्योंकि हम जैसा एफटीएसए में हम रजिस्टर्ड है, तो एफटीएसए से एक एफिलिएटेड एक बॉडी बनी जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल की है, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब हमारे लोगों के लिए है। और उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरे को अपॉइंट किए थे, मेरे को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की है। तो हम लोग काफी अलर्ट रहे, हम लोग देखते रहते हैं कहां पर क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का मिस यूज हो रहा है। और उसका एक पार्ट का आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप समझ रहे बात को।